हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैं भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मैं तो आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो ना। भगवान आपकी झोली खुशियों से हमेशा भर दे। तो मैं तो जो भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस होता है अपना, मैं आपके साथ ना इस एक्सपीरियंस को शेयर करते रहती हूँ, और इससे मुझे आप बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस देते हो। तो मैं तो बोलती हूँ शायद जिस लाइक में थी भी नहीं जो आपने मुझे बना दिया। तो मैं आज आपके साथ ना एक बहुत ही जो अपने ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट कराया हुआ ना, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शायद आप भी इससे मोटिवेट होगे, और बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है। तो ये आप देख रहे हो, ये है जी चुकंदर, यानी चुकंदर की खेती। और चुकंदर आप देख रहे हो ना, चाहे आप अपने गमले में लगाओ, अपने घर के लिए लगाओ, या आप मतलब खेती इसकी खेती करो या बीज के लिए लगाओ, तो ये देखने लगे हो ना कितना अच्छे मतलब आप इसका पत्तों का साइज और फल जो इसका कंद है ना, इसका साइज और इसका कलर और इसका रंग आप देख के हैरान हो गए। तो ये कमाल सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कमाल है सिर्फ एक प्राकृतिक और यौगिक खेती का। तो आप सोचेंगे कि प्राकृतिक खेती तो हमने सुनी थी, मगर यौगिक खेती तो हमने सुनी नहीं है। तो मैं ना 2 साल पहले ना हमारे सोलन से बीके सुषमा जी हमारे इधर आए थे हरकी में, तो उन्होंने इसके बारे में यौगिक खेती के बारे में ना कुछ समझाया भी था, और उन्होंने कुछ हमारे को किताबें भी दी थी। और वैसे मैं सोचती कई बार ऐसा सोचती थी कि ऐसा भी होता होगा शायद कि यौगिक खेती भी हो, मतलब मैं वैसे मन में ही सोचती रहती थी। मगर बोलते ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, मिल ही जाती है। अगर आप के मन में कोई सवाल है तो भगवान आपके हर सवाल का जवाब जरूर देते हैं। तो मैं अर्की गई थी, तो वहाँ पर वो सुषमा दीदी जी आए थे, तो उन्होंने यौगिक खेती के बारे में बताया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि हम काम तो कर ही रहे, वैसे भी हम प्राकृतिक खेती शुद्ध खेती कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ये तो बहुत ही एक मामूली काम है, इसको क्यों नहीं हम करें। तो मैं इसको भी साथ कर रही हूँ, तो इसका रिजल्ट मैं आपके साथ बताऊँ ना, बहुत ही एक इमेजिंग रिजल्ट आया, जो मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था, इतना अच्छा रिजल्ट इसका आया। और ऐसा नहीं कि इसी की फसल में, सभी फसलों में अगर आप यौगिक प्लस प्राकृतिक खेती करेंगे तो मैं बोलती हूँ बहुत ही एक अच्छा और गुणकारी गुणवत्ता वाला बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमारे ना बुजुर्ग पहले जब हम खेतों में जाते थे ना, तो जाने से पहले ना बोलते थे कि मतलब धूप दीप ले चलो और निवेद ले चलो, और खेत में ना वहाँ जो खेत में मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम मतलब पूजा पाठ करेंगे, तो ऐसे करते थे। मगर हम लोग ना भूल चुके थे सारी की सारी बातों को। तो मैं तो बहुत एक धन्यवाद करना चाहती हूँ ना सुषमा दीदी जी का, जिन्होंने हमारे को एक अच्छा एक मार्गदर्शक के रूप में ना अच्छा मार्ग बताया, और बहुत सिंपल। और करते तो है ही हम खेती, तो हम करते हैं, तो इससे मन की शांति भी हो जाती है, और मतलब आप बोलेंगे ना खेत में भी बहुत अच्छा दिल लगता है कि हम मतलब योग करते हैं, खेत में जाके योग करें अगर। तो मैं ना आपके साथ मतलब
निकाल के बताती कि ये कितने बड़े बड़े मतलब चुकंदर के इसमें बीज और जो नीचे कंधे ना, बहुत अच्छा इसका कंधा और बीज लगा हुआ है। ये तो बीज है, बीज के लिए है, तो ये देख रहे हो ना आप, बीज भी बहुत अच्छा मतलब लगने लगा हुआ है। और ये देखो नीचे कंधा इसका, और तो यौगिक खेती एक प्राकृतिक खेती मैं तो बोलती हूँ, कोई इसमें बहुत अच्छा खर्चे की कोई इसमें जो हमारे पास है जो भी कुछ पर्याप्त मात्रा में मतलब हमने घनजीवामृत जीवामृत और खट्टी लस्सी इसी का ही सिर्फ प्रयोग करना है। और दूसरा हमारे को इसमें ध्यान लगाना है, खेत में मतलब योग करना है, तो अपने पौधों को मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है और अपने खेत को, तो आप इसका रिजल्ट देखोगे ना तो बहुत अच्छा मतलब इसका जो पैदावार होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो मतलब वो चाहे हमारे फल हो कोई भी सब्जी हो, तो हम इसके मेडिटेशन के द्वारा ना इसको बहुत एक अच्छे गुणवत्ता और बहुत ज़्यादा, मैं मतलब शब्दों में क्या बताऊँ, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके वर्णन करने के। तो ये देख रहे हो ना सेब में, जिस हर पौधे में फल में सब्जी में हर चीज़ में हमारे को प्राकृतिक और यौगिक खेती करें तो इसका रिजल्ट आप जब करोगे तो देखोगे। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना और आप बताना कि आपने भी सुना है यौगिक खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में तो आपने शायद सुना होगा। तो इसी के साथ जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत, फिर मिलेंगे।